नमस्कार, मैं मेघा कौशिक स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, नया दिन नई ऊर्जा नई आशा नई उम्मीद लेकर आता है, तो उठ खड़े हों और अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाएं, क्योंकि सपनों के बिना जीवन कुछ अधूरा होता है। तो अपने सपनों की चिंगारी ना बुझने दें। तो अगर आप भी देखते हैं अपने घर का सपना, सालों से चाहकर भी अपना घर या मकान नहीं बना पा रहे, तो आज हम आपको बताएंगे वो महाटोटका जो आपको आपका मनचाहा घर दिलवा सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित पुंकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, महाटोटका हम आपको देंगे, दिव्य मंत्र भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आपकी समस्याओं के हल भी हम जानते रहेंगे। इसके लिए फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। शो की शुरुआत कर लेते हैं और आज का दुर्लभ संयोग क्या है ये जान लेते हैं। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, अब अगला मुखी का, कुष्मांडा माता का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज एक ऐसे महाचमत्कारिक उपाय की, टोटके की, जिसे करने से मिलेगा आपको मनचाहा बंगला, मनचाहा घर, मनचाही जमीन का सुख। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज नवरात्रि के मंगलवार के महाचमत्कारिक उपाय। दोस्तों, आज मंगलवार दिनांक 9 अप्रैल सन 2019 को बसंत नवरात्र की चतुर्थ तिथि है। आज अंगारक चतुर्थी का बना बड़ा ही शुभ संयोग। आज ऐसे शुभ संयोग में सांसारिक जीत के लिए आज प्रातःकाल माँ कुष्मांडा, भगवान गणेश, संध्या समय में राम भक्त हनुमान जी की विशेष पूजन अर्चन और व्रत करने से आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आने वाले अनचाहे बुरे समय से मुक्ति मिलती है, गंभीर विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। आज माँ कुष्मांडा और भगवान गणेश के विशेष पूजन से, उपाय से मिलेगा आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद, मिलेगा आपको मनचाहा जीवन साथी, मिलेगा आपको पूर्ण दाम्पत्य सुख, संतान सुख, और साथ ही मिलेगा कुबेर का खजाना। तो आज माँ कुष्मांडा माता, माँ गौरी, भगवान गणेश, हनुमान जी महाराज की विशेष पूजन विधि क्या रहेगी, आइए उसको समझ लेते हैं। माँ कुष्मांडा, भगवान श्री गणेश जी का, भगवान हनुमान जी का आज अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। आज के दिन अनार के रस का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। तो आज माँ कुष्मांडा का, भगवान गणेश का, हनुमान जी महाराज का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा, उनका पंचोपचार दशोपचार, उनका पूजन अर्चन कीजिएगा, गौघ्रत का दीप दान कीजिएगा, केवड़े से बनी धूप बत्ती की धूप अर्पण कीजिएगा। माँ कुष्मांडा को चुनरी, श्रृंगार सामग्री, काजल, बिंदिया, मेहंदी इत्यादि अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को 11 दुर्वा अर्पण कीजिएगा, हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला अर्पण कीजिएगा, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, कुमकुम से, चंदन से तिलक कीजिएगा, गुड़ के बने मीठे पुओं का भोग लगाइएगा, आरती कीजिएगा, पूजन के पश्चात भोग किसी छोटी कन्या को खिलाइएगा। आज का जो पूजन मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा माता रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक माँ कुष्मांडा की, भगवान गणेश जी की, संध्या समय में हनुमान जी की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा, मनपसंद जीवन साथी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी, कुबेर का साथ मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तो पंडित जी ने बता दिया है कि आज कौन सा महा उपाय आपको करना है, क्योंकि माँ कुष्मांडा का आज दिन है। लेकिन आगे आपको बताएंगे कि अगर आपका भी घर का सपना है तो कैसे आप उसे साकार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं पंडित जी। नीलम जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। नीलम जी, स्वागत है आपका, डेट ऑफ बर्थ और समय दें।
डेट ऑफ बर्थ है 10/4/1991, समय 7:15 शाम। 10 अप्रैल 1991। समय बताएं? शाम के 7:15। प्रश्न पूछिए जी। इसकी शादी कब तक होगी और कहाँ होगी? देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, धनिष्ठा नक्षत्र का जन्म है, ताम्र के पाए में बच्चा पैदा हुआ है, कुंडली में गुरु उच्च का है, साथ में शनि स्वग्रही है, गुरु की ही महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, नवंबर 2018 से इसका एक बेहतरीन समय शुरू हुआ है। जहाँ तक इसके विवाह का योग बनता है, इसके विवाह का योग अगर हम बात करें तो इसके विवाह का योग बनता है इसी वर्ष के अंदर तय होने की पूरी पूरी उम्मीद है, 11 सितंबर सन 2019 के पश्चात में इसका विवाह तय हो जाएगा। और जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ, जहां पे भी इस बच्चे का जन्म हुआ है वहां से दक्षिण दिशा की तरफ इस बच्चे का विवाह होगा, इसका ससुराल उस तरफ होगा। कुंडली अच्छी है, लेकिन चूंकि कालसर्प दोष बना हुआ है और सर्प दोष में भी माला योग है, यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे को जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो और जो इतने शुभ ग्रह हैं उनके शुभ फलों की प्राप्ति हो, तो एक बार इसकी उज्जैन या नासिक भेजकर कालसर्प दोष की विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करवा दीजिएगा, ताकि इस बच्चे की कुंडली में बना हुआ माला योग इस बच्चे के जीवन को अच्छा बनाए, सभी सुख प्रदान करे, उसके लिए सर्प दोष की पूजा जरूर कराइएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद है आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा और आपको सर्प दोष की पूजा करानी है, ये पंडित जी ने बताया है, तो जरूर ये पूजा करवा लीजिएगा। और आप ये नरेंद्र जी का कॉल लेते हैं, ये जैसलमेर से जुड़ गए हैं पंडित जी, और 6/10/1978 डेट ऑफ बर्थ और 5 बजे का सुबह का समय बताते हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल क्या है बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी, मेरा पत्थर कटिंग का बिजनेस है, स्टोन कटिंग की 2 फैक्ट्री मेरी, और बिजनेस में कुछ समय सा उतार चढ़ाव, मतलब कुछ ढंग से हो नहीं रहा है काफी टाइम से, मतलब जो काम करूं मतलब पूरा होते होते अटक जाता है सारे जी, चाहे कोर्ट के मामले हो, चाहे बिजनेस के मामले हो, चाहे घर की सुख शांति हो, सब में। देखिए नरेंद्र जी, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, अप्रैल 2013 ऑनवर्ड से अप्रैल 2013 से आपको 7 वर्ष की केतु की महादशा चल रही है, अप्रैल 2013 से शुरू हुई है और अप्रैल 2020 में यानी अगले वर्ष ये ख़त्म होगी। केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक टेल, सांप की पूंछ कैसे चलती, टेढ़ी चलती है। तो अगर आप देखें 2013 ऑनवर्ड्स के बाद से बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आपने लाइफ में देखे हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, देर विल लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस, वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड, ये केतु राहु केतु यही करवाते हैं। ये नेगेटिव पीरियड आपका ख़त्म होता है अप्रैल 2020 में, उसके पश्चात शुक्र की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का, आपके करियर का सबसे बेस्ट टाइमिंग, ऐसा समय जब आप मिट्टी को छुएंगे तो सोना होगा, डेट पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 से शुरू होगा। पितृदोष आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है, पितरों के निमित्त घर में शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास, परंडे के पास नियमित रूप से जलाना चाहिए, अपनी पत्नी को बोलिए ताकि घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। जब आपको समय मिले पुष्कर उज्जैन जाकर या हरिद्वार जाकर एक बार पितृदोष की विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करवा लीजिएगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। पक्षियों की 40 दिन तक नियमित रूप से सेवा करें, उनको परिंडे लगा के उनके लिए जल अर्पण करें, उसके साथ में खाने के लिए अनाज दे, 40 दिन सेवा कीजिए, केतु का दोष स्वतः ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो परेशानियां तो सब जगह आती है नरेंद्र जी, लेकिन कई बार हमारी कुंडली में कुछ दिक्कतें होती हैं, उनका सामना करना पड़ता है और उसी कारण से ये परेशानियां आती हैं। तो ये जो उपाय पंडित जी ने बताया वो कीजिएगा, आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म होगी। और अब आगे मुकेश जी का कॉल लेते हैं, अलवर से ये जुड़ गए हैं, और मुकेश जी स्वागत है आपका, डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी मेरी भतीजी है, 19 अप्रैल समय सुबह का 10:10 95। 19 अप्रैल सन बोलिए। 95। 19 अप्रैल 95 और समय सुबह 10:10।
हाँ जी सुबह का। हाँ जी सुबह का प्रश्न पूछिए। रिश्ता नहीं बैठा पढ़ने से खूब डर के तड़पलाश कर रहे हैं क्या करने वाले। देखिए मुकेश जी, जहाँ तक आपके भतीजे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो है शुक्र की महादशा इसको चल रही है। शुक्र की महादशा में भी गुरु का अंतर है। इसकी जन्म कुंडली में वैसे किसी प्रकार का दोष नहीं है, अभी विवाह का योग भी इसका बना हुआ है और इसका विवाह जो तय होता है वो इसी वर्ष अगस्त 2019 के पश्चात में इस बच्ची का विवाह तय हो जाता है उसके आसपास में। ऐसी कोई ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, अगले वर्ष में इसके विवाह का पूर्ण योग बनता है। लेकिन इसकी कुंडली में दो समस्याएं हैं। समस्या यह है कि एक तो इसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, दूसरा इसकी कुंडली में मंगल भी नीच का है। दो दो ग्रह नीच के हैं। योग्य आचार्य के निर्देशन में इस बच्ची की ग्रह शांति करवाइए, चंद्रमा और मंगल जो नीच के हैं उनकी विधिवत पूर्वक। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण नहीं करना है। हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर चांदी का चंद्रमा चढ़ाना है। 8 सोमवार ऐसे करना है, कच्चे दूध से या छाछ से अभिषेक करना है, 8 सोमवार करना है। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ का नियम बांधे, वजन के बराबर गुड़ का दान करें गौशाला में अभी इसके जन्मदिन पे, और 6 महीने में इसका संबंध तय हो जाएगा। बिल्कुल। और दर्शकों अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज सबसे पहले पंडित जी गोपाल जी जुड़ गए हैं जोधपुर से, उनका भी कॉल ले लेते हैं। गोपाल जी स्वागत है आपका, डेट ऑफ बर्थ और समय दें। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। 29/9/1985 7:29 शाम को। प्रश्न पूछिए बेटा। इसका आपने बोला था रेवती नक्षत्र का पूजा कराने के लिए, वो पूजा करा दी जी। और शादी का और किस जगह होगी, कब होगी? बिल्कुल अब तैयारी है बेटा। शुक्र की महादशा गुरु का अंतर इसी 14 जून 2019 को खत्म हो रहा है 2 महीने बाद। उसके पश्चात शुक्र की महादशा शनि का अंतर शुरू हो रहा है, जीवन का एक बेहतरीन समय। तो इसके विवाह का योग इसी साल जून 2019 के पश्चात में बनता हुआ दिख रहा है। दिसंबर 2019 से पहले इसका विवाह तय हो जाएगा और अगले वर्ष की शुरुआत में मई 2020 से पहले इसका विवाह हो भी जाएगा। जो एक दोष था रेवती नक्षत्र का वो आपने दूर करवा दिया है। गुरु नीच का है, उसके लिए सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारण करवाएं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु के मंत्र को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ में हर गुरुवार को पपीते का फल किसी बीमार व्यक्ति को दान करें, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। सरल सा उपाय कीजिएगा। और जहाँ तक इसके दिशा का सवाल है कि किस दिशा में इसका विवाह होगा, तो इसके जन्म स्थान से पश्चिम की तरफ, जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ इसका ससुराल होगा जी। और दर्शकों अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम महाटोटके की बात कर रहे थे कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, आपका नया घर बने या एक घर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करना है आपको, चलिए पंडित जी से जानते हैं। दोस्तों हर इंसान का एक सपना होता है कि हमारा एक खुद का सुंदर सा, चाहे छोटा सा ही क्यों नहीं हो, हमारा घर होना चाहिए। तो क्या आप मनचाहा बंगला, मनचाहा घर, मनचाही जमीन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपके लाख प्रयास करने के पश्चात भी आपका स्वयं का अपने घर का सपना पूर्ण नहीं हो पा रहा है? और यही नहीं, क्या आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को, अपनी जमीन को, अपने घर को बेचना चाह रहे हैं लेकिन आपको उचित खरीदार नहीं मिल पा रहा है? तो यदि आप अपना स्वयं का घर बनाना चाहते हैं, यदि आप अपनी जमीन जायदाद बेचना चाहते हैं, तो आज किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक टोटका दिला सकता है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति। करें ये महाचमत्कारिक टोटका। करना क्या है, आज मंगलवार को, आज अंगारक चतुर्थी है, आज मंगलवार को संध्या के समय में
हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक गुलाब के पुष्प की माला, 7 नारियल, 7 मोतीचूर के लड्डू, 7 नारियल, 7 मोतीचूर के लड्डू, 1 केले का पत्ता, केले के वृक्ष का जो पत्ता होता है, 1 मुट्ठी लाल मसूर की दाल, 7 साबुत लाल मिर्ची लेकर आए। मंदिर में एक तरफ आसन लगा लीजिएगा, उस आसन पर बैठकर केले के पत्ते पर हनुमान जी महाराज के चरणों के सिंदूर से त्रिकोण बना लीजिएगा। त्रिकोण के अग्रभाग पर, त्रिकोण के अग्रभाग पर एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर रख दीजिएगा। उसी के साथ बीच में मसूर की दाल रख दीजिएगा। त्रिकोण के बीच में मसूर की दाल को रख दीजिएगा। 7 लाल साबुत मिर्ची को भी रख दीजिएगा। अब आपको वहीं बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। हर पाठ पर 1 नारियल के ऊपर 1 लड्डू रखकर श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण करना है। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, और भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हर एक पाठ के साथ नारियल के ऊपर लड्डू रखकर हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण करते जाएं, अपने स्वयं के घर बंगले के सुख की प्रार्थना करते जाएं, जमीन जायदाद के अच्छे दामों में बिकने की प्रार्थना करते जाएं। तत्पश्चात में एक मंत्र है, ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर। जाप के पश्चात हनुमान जी महाराज की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। केले के पत्ते पर रखी हुई मसूर की दाल, साबुत लाल मिर्ची को हनुमान मंदिर के परिसर के दक्षिण दिशा में, हनुमान मंदिर के परिसर के दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। 7 मंगलवार ऐसा करने से मनचाहा बंगला, मनचाहा घर, मनचाही जमीन का सुख प्राप्त होगा। यही नहीं, यदि आप अपना घर, अपनी जमीन अच्छे दामों में बेचना चाह रहे हैं तो जल्द ही इस चमत्कारिक उपाय से आपकी जमीन, आपका घर अच्छे दामों में आपको बिकता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो घर खरीदना हो या घर बेचना हो, जमीन लेनी हो या जमीन बेचनी हो, उसके लिए क्या महाटोटका आपको करना है, कैसे हनुमान जी की पूजा करनी है, ये पंडित जी ने बता दिया। आगे आपको गुड लक टिप और दिव्य मंत्र भी देंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है, और दर्शकों आगे दिव्य मंत्र की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कॉलर मंजू जी जुड़ गई हैं, उनका कॉल लेते हैं। चूरू से ये जुड़ गई हैं पंडित जी, और बेटी नेहा के लिए जानना चाहती हैं 20/8/1993 डेट ऑफ बर्थ और 4:15 बजे का शाम का समय। मंजू जी स्वागत है, सवाल करें जल्दी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी ना तो उसकी वो गवर्नमेंट जॉब में ना 1-2 नंबर के रह जाती है, और अभी उसकी शादी में कब तक हो जाएगी? और आपने पहले पन्ना का किया बताया था, वो पन्ना रसम भी पहना दिया उसको। देखो बेटा मंजू, जहाँ तक आपकी बच्ची है नेहा, हमने पहले भी कहा ऐसे योग बड़े कम होते हैं, चंद्र मंगल और गज के श्री योग इसके जन्म कुंडली में बना हुआ है। ये तो कलेक्टर बनेगी, बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर ही बच्ची जाएगी,
लेकिन इसके हर काम में अड़चन का जो मुख्य कारण है वो है एक तो इसके राहु की महादशा। 18 साल की जो राहु की महादशा है वो अड़चन डालती है। तो राहु की शांति के लिए रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही मर्ची चढ़ाएं। उसके साथ साथ में एक गोमेद रत्न का पेंडेंट 5.25 रत्ती का गले के अंदर चांदी में डलवा दें। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं। रही बात इसके कैरियर की, इसके विवाह की और सब कुछ, 2019-2020 ये वर्ष और 2020 इसके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। एक साल में इसकी नौकरी भी लगेगी और इसको विवाह का सुख भी प्राप्त होगा। जी पंडित जी, आगे बढ़ेंगे और आज का गुड लक टिप्स आपसे लेना चाहेंगे अब। आइए दोस्तों जानते हैं आज के स्पेशल गुड लक टिप्स। आपकी सेहत से जुड़ा, माता रानी के चरणों में अनार के फल का रस अर्पण कीजिएगा, फिर प्रसाद के रूप में उसको पी लीजिएगा। एसिडिटी, पेट दर्द, मानसिक अवसाद से आपको मुक्ति मिलेगी। आज का गुड लक टिप्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, अपनी माँ के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। आज का गुड लक टिप्स कर्ज मुक्ति से जुड़ा है, अपनी बिटिया रानी के हाथ से हरे रुमाल पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनवाकर अपनी पॉकेट में रखिएगा। आज का गुड लक टिप्स आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, घर से निकलते समय पालक की पुली गौ माता को खिलाइएगा। आज का गुड लक टिप्स आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है, पूर्ण दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में रात रानी के इत्र का छिड़काव कीजिएगा, सब मंगल होगा। जी पंडित जी, और जैसा कि हर कोई चाहता है कि उसे धन लाभ मिले, तो उसके लिए एक दिव्य मंत्र आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वो महाटोटका जानना चाहेंगे जिससे बम्पर जीत जो है वो चुनाव में मिले। तो दोस्तों, क्या आप चुनाव में बम्पर जीत चाहते हैं? यदि हाँ, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है आपका भाषण देने की दिशा। तो क्या आप जानते हैं कि जब आप चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो आपकी जो संबोधन की दिशा है वो भी आपके जीत हार को तय करती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप भाषण देने जाएं, किसी भी सभा को संबोधित करने जाएं, तो आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या पूर्व दिशा में रखकर आपको सभा को, चुनावी सभा को संबोधित करना चाहिए। जनता को संबोधित करते समय जो भी उम्मीदवार है उसका मुंह उत्तर दिशा में रहेगा तो निश्चित तौर पर उस जगह पे विजयशी हासिल होती। मंच सभा के स्थान की दक्षिण दिशा की ओर होगा तो इसी प्रकार पूर्व दिशा की मुख रहेगा तब मंच सभा के स्थान की पश्चिम दिशा की तरफ ओर बनेगा। मंच की बात कर रहे हैं आपको। इस प्रकार वास्तु अनुकूल मंच पर खड़े होकर चुनावी सभा को संबोधित करने से सभा सफल और प्रभावी होती है और जीत निश्चित होती है। जी, तो जीत का मंत्र तो आपने बता दिया है और अब दिव्य मंत्र भी लेना चाहेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं आज का महादिव्य मंत्र। ओम वम श्रीम वम आईम रिम क्लिम कनक धाराय स्वाहा। ओम वम श्रीम वम आईम रिम क्लिम कनक धाराय स्वाहा। लाभ क्या है इस मंत्र का जाप? निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको दिलाएगा मां लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। होगी धन की वर्षा, मिलेगी दरिद्रता से कर से मुक्ति, मिलेगा कुबेर का खजाना। जी हां दोस्तों, एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें, पूरे दिन बरसता रहेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों, कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, सोमवार से शनिवार आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए स्पीड न्यूज। नमस्कार।